आज मौसम बड़ा सुंदर है, खूबसूरत है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ी सी हल्की सी। काफ़ी टाइम से ट्रिप पर गए नहीं है, क्या करें, मौसम और स्थितियां परिस्थितियां साथ दें, अब कहीं निकला जाए। सेकेंड सैटरडे यार सोचा एक शॉर्ट ट्रिप मार ले जाए, एक शॉर्ट ट्रिप लगा ले रहे हैं नानक मत्ता की। अभी तक तो विचार है फिलहाल पार कर लिया है, तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए 11 बजे भी थोड़ा सा फल वगैरह ले लिए हैं और चल रहे हैं आगे, इसी खाते हुए चलते हैं, हल्के हल्के चलेंगे, पूरी छुट्टी है शाम के 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। करीब 20 किलोमीटर चल के आ गए, रोड काफ़ी अच्छा बन गया है। पहले लग रहा था तो रोड खराब होगा, मैं काफ़ी टाइम से आया नहीं, 1.5 साल हो गए भाई इस रोड पे पीलीभीत वाले, अभी तक तो रोड काफ़ी है। नवाबगंज पहुँचने वाले, नवाबगंज से कट मिलेगा वहाँ से जाना पड़ता के लिए। मौसम इतना शानदार है आज कुछ बता नहीं सकते, बहुत शानदार मौसम है, ऊपर बादल हैं, बहुत खूबसूरत। करीब 2 घंटे हो गए होंगे निकले हुए, कहाँ पहुँच गए हैं दिख रहा होगा, सितारगंज से 20 मिनट और लगेंगे नानक मत्ता पहुँचने में। और मौसम बहुत बढ़िया रहा आज, मैं सोच रहा था धूप होगी तो मैं नहीं जाता बिल्कुल भी, मौसम बहुत अच्छा है। 20 मिनट यहाँ से और लगेंगे, अपनी 2 पहिया सवारी हल्की हो जा सवारी, आगे चलते हैं। ये नानक मत्ता साहिब का जो बाहर गेट हो रही है अपने अंदर तो सारा नानक मत्ता साहिब तक वो डिवाइड है, तो सामने कर देंगे बीच में आप लोग चलते पहुंच गए 2 बजे दो बजे ये पार्किंग है, पार्किंग पर गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी, चलते हैं अंदर। सामने दिख रहा होगा आपको ये नानक मत्ता साहब का, यहाँ पे कुछ ये ठेले वगैरह लगे हुए हैं अपना, बढ़िया है, साफ सफाई बहुत बढ़िया है, अंदर बैंक भी है, काफ़ी बड़ा है गेट, बढ़िया है, चलते हैं आगे। ठीक है नानक मत्ता साहब गुरुद्वारा बहुत शानदार, चारों तरफ का नज़ारा, मार्केट अंदर लगा हुआ है, फोन कर दियो अंदर, चलो जूते उतार देते हैं पहले तो। पानी है, अभी आ गए हैं अंदर, तो फोटोग्राफी करने का अलाउड नहीं। ये नानक सरोवर, नानक मत्ता, क्या बात है, क्या खूबसूरत का चारों तरफ का, एक बार भी देखिए सत्य नाम जी।
यहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा ये मैं वहाँ तो क्लिनिक है जी, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैंने भी लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा। अच्छा भी लग रहा है, ये वही पीपल लग रही 500-700 साल पुराना, कितना बड़ा पीपल है। वहाँ से देखिए वहाँ लिखा भी होगा इसके बारे में, अंदर कोटर खींच रहे हैं, बाहर से दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा है, पूरा गोल है छतरी की तरह। और ये गोल द्वारा अंदर है, ये सरोवर है, कितना शानदार है, मछलियाँ बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर आपको एक बार मौसम बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया मौसम है। तो अभी अंदर गए, अंदर वीडियो बनानी नहीं थी उन्होंने, काफी दिक्कत करी, फोटो वगैरह खींचने में बार बार ऑब्जेक्शन कर रहे थे। पीछे है अंदर से यहीं पे आपको वो फ्याफा मिल जाता है सर पे बांधने वाला, और बहुत गर्मी। अब यहाँ पे पूरा चारों तरफ का फंक्शन के अंदर लगे हुए, पूरा जो हॉल है वो एसी का है, पूरा एसी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से। अभी चलते हैं उधर की साइड, अपने जूते जमा जूते लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। एक टाइम लैप्स ले लेंगे बाहर से, रील वील तो यहाँ बनाने नहीं देंगे, फोटो नहीं खींचने दे रहे, तो चलते हैं जूते लेते हैं बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर आ गए लेट के, यहाँ वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वो गुरुद्वारा उस तरफ ये आप देख रहे हैं वहाँ सामने, और ये पूरा मार्केट है लोकल बाहर का। अंदर रोड रोड सब पूरी बनी हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से पक्की रोड बनी हुई है। अंदर रेजिडेंस बहुत ज़्यादा है, लोग रह जाऊंगे लोग बना रखी कॉलोनी टाइप की, कई जगह की जैसे हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में आपने देखा होगा वहाँ बने हुए हैं कई सारे, यहाँ भी इसी तरीके से बना रखे हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा, तो खैर आपको पता ही होगा। चलते हैं अभी कुछ खाने का सामान, यहाँ का ज़्यादा फोटोग्राफी करना नहीं दे रहा है, तो आगे चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं वहाँ से और प्रस्थान करते हैं। मौसम बहुत बढ़िया मिला, देख लिया नानक मत्ता, विजिट कर लिया जो विजिट करना था। ये स्टैंडर्ड निःशुल्क पार्किंग है, कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं देने हैं आपको। अब यहाँ से हम चलते हैं, हाँ करीब 60 किलोमीटर बहेड़ी रोड पे आ गए, ट्रेन रुकी हुई है, पता नहीं कांड हो गया यहाँ कहीं आस पास, काफी बिजली लगी हुई है इधर फुल पर। देख लिया छोटा सा भैया, अभी बहेड़ी आ गए, शॉर्ट ट्रिप थी छोटी सी, छुट्टी थी यार, तो सोचा नानक मत्ता नहीं देखा तो वहीं हो जाते हैं। एक कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली अभी, और होटल काफ़ी बढ़िया है, रेस्टोरेंट भी अमृतसर ढाबा के नाम से है, बड़ी कहीं है बड़ी फूड पार्क है, क्या है मेगा फूड पार्क, उसके थोड़ा सा आगे ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीके से खाना ऑर्डर कराया, छोटा सा वो भी आएगा खाएंगे फिर मिलते आ गया। दाल मखनी, चावल, रायता, प्याज, रोटी खाते हैं, बढ़ते हैं। एक शॉर्ट ट्रिप थी छोटी सी, सस्पेंस रही वो, किसी को पता नहीं लगी होगी, लेकिन वो बस बस खाना खाते हैं और चलते हैं। खाना बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, दाल मखनी रायता,
चावल प्याज तंदूर तवा बहुत शानदार खाना है, बढ़िया टेस्ट है, खाते हैं। अरे बाहर खड़े हुए निकलते हैं, खाना बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। हो गया पीछे अमृतसरी ढाबा, निकलना है घर की तरफ अब। वो भाई यात्रा अपनी खाना बहुत बढ़िया था, टेस्टी था, दिखा दे रहे एक बार अमृतसरी ढाबा देख लो। यहाँ पे आप आ जाइए हाईवे से, खाना बहुत टेस्टी है, मजेदार है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। मैंने खा लिया, अब मैं आगे से प्रस्थान कर रहा हूँ। कमरे में प्रवेश और होगा क्या था, हुआ? एक बैग दूंगा था बस, ये वाला ऐसे सीरीज बैग बहुत बढ़िया है। इसमें देखिए एक पावर बैंक ये रखा है, पावर बैंक ये रखा हुआ, एक केबल रखी, एक छोटा ट्राइपॉड है, ये दो चार्जर भी यहाँ पे आ गए थे इस जगह पे। बस के अलावा एक ये रखा हुआ है ट्राइपॉड, वो गिम्बल रखा हुआ है, एक पॉलिथीन मोबाइल कवर, बस इसको ऐसे ही रख देना उठा कर बस। ठीक है कंप्लीट हो गई यात्रा अपनी, 5:30 बजे।